नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी कंपनी या स्टॉक के अंदर अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या एज ए रिटेल निवेशक हमें उस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस विषय के ऊपर हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग, FII की होल्डिंग के बारे में क्या क्या पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है उनके बारे में चर्चा किया है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी दर्शक अभी भी मुझसे कमेंट सेक्शन के द्वारा सवाल पूछते हैं। कुछ दर्शकों ने लिखा कि उन्होंने एक पर्टिकुलर मीडिया कंपनी के स्टॉक में निवेश किया, वहां पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन वो स्टॉक अब 15% या 20% नीचे आ चुका है, तो ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, यहां पे मैंने आपको पहले भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताया कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अपने स्टॉक सिलेक्शन में रखते हैं कि भाई प्रमोटर्स या FIIs अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो स्टॉक हमारी स्टॉक सिलेक्शन में आ जाएगा या वो स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि रिटेल निवेशक करते हैं ऐसे स्टॉक्स का चयन करने में, तो इन सब बातों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये समरी वीडियो है, मैं आपको फिर से वो सारी बातें दोबारा बताऊंगा कि कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपको 50,000, 60,000 या 1,00,000 रुपए की फीस लेके दी जाती है, उससे 1,000 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी स्टॉक का चयन करें, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि केवल एक ही क्राइटेरिया के ऊपर आप किसी भी स्टॉक का चयन नहीं कर सकते। दोस्तों, यहां पे स्टॉक सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। काफी दर्शक मुझसे पूछते हैं या पिछली लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपने देखा होगा, काफी दर्शकों ने लिखा जो कि मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं कि आप 100% एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करते हैं अपनी स्टॉक सिलेक्शन में। तो दोस्तों, यहां मैं उसका आपको कारण बता देता हूं। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, जो जापानीज और कोरियन प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी के मामले में बेस्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने MBA की थी तब मैंने वहां पे क्वालिटी के बारे में काफी स्टडी किया था, सिक्स सिग्मा के बारे में स्टडी किया था, जापानीज और कोरियन प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में स्टडी किया था अपने MBA के दौरान। तो वहां पे दोस्तों, एक चीज मुझे जो सीखने को मिली थी कि जब भी आप किसी चीज का चुनाव करें, वहां पे आप सिलेक्शन की जगह रिजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करें। इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 स्टॉक्स की लिस्ट है, आप उसमें से चूज करते हैं। रिजेक्शन टेक्निक में क्या होता है कि आप उन 100 स्टॉक्स के अंदर जो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे, और वो सारे फिल्टर्स लगाने के बाद, रिजेक्शन के फिल्टर्स लगाने के बाद, आपके पास जो स्टॉक्स बचेंगे वो आपके बिल्कुल क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार मेरी इंट्राडे की वॉच लिस्ट में, जैसा कि पिछले 2 दिन से हो रहा था, मेरी वॉच लिस्ट के अंदर कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पे सिलेक्शन का नहीं था, स्टॉक सिलेक्शन का नहीं था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी बकेट के अंदर हाई अल्फा हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो वहां पे मैं अपने फिल्टर्स लगा के स्टॉक्स को रिजेक्ट करता जाता हूं। जैसे जैसे फिल्टर लगाता जाता हूं, वैसे वैसे स्टॉक्स की क्वांटिटी कम होती जाती है, और लास्ट में जो बच जाते हैं स्टॉक्स जो सभी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, केवल उन्हीं को मैं वॉच लिस्ट में लेके आता हूं। तो दोस्तों, यहां पे कहने का मतलब या कहने का सार ये है कि अगर आप सिलेक्शन टेक्निक अपनाएंगे तो वहां पे आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन अगर आप रिजेक्शन टेक्निक लगाएंगे तो वहां पे आप बिल्कुल भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दोस्तों, इस विषय के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो, क्या 1-2-3 वीडियो की सीरीज बना सकता हूं कि यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी का चयन करने के लिए आपको किस तरीके से अपने माइंड को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का
बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिहेवियरल फाइनेंस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत लंबा टॉपिक है, आज के वीडियो में इसको कवर कर पाना संभव नहीं है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं प्रमोटर्स के होल्डिंग की, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस के अंदर मैं केवल प्रमोटर्स और FII की जो होल्डिंग होती है केवल उन्हीं को महत्व देता हूं, बाकी सब होल्डिंग्स को मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। सिर्फ रेफरेंस के लिए शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स की या DIIs की, उसको मैं सिर्फ रेफर करता हूं। लेकिन यहां पे प्रमोटर्स और FII जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं किसी भी स्टॉक की मूवमेंट के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी का गाइडलाइन है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं हो सकती और किसी भी स्टॉक के अंदर पब्लिक होल्डिंग मिनिमम 25% तो होनी ही चाहिए। लेकिन FII के केस में मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के द्वारा बताया था कि वहां पे हर एक स्टॉक के लिए कितनी लिमिट है वो हर स्टॉक के लिए अलग अलग डिसाइड की गई है। किसी स्टॉक के अंदर हो सकता है 74% हो, किसी के अंदर हो सकता है 30% हो, किसी के अंदर हो सकता है 50% हो। तो हर एक स्टॉक के अंदर FIIs कितना निवेश कर सकते हैं वो हर एक स्टॉक के ऊपर निर्भर करता है और ये लिमिट अलग अलग डिसाइड होती है। तो दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको दिन में डेली बेसिस के ऊपर जिस दिन भी कोई ट्रेडिंग होती है आपको 8-10 ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे जो कि न्यूज में आएंगे कि यहां पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। यहां पे सबसे बड़ी गलती जो रिटेल निवेशक करता है कि बिना जांचे परखे, बिना सभी पॉइंट्स का ध्यान रखे हुए वो वहां पे बाय पोजीशन ले लेता है। उसको लगता है कि प्रमोटर्स ने अगर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है तो यहां पे स्टॉक के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। दोस्तों अगर बेसिक थंब रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हैं तो वो एक पॉजिटिव संकेत है और आइडियली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स या FII सेलिंग करते हैं तो आइडियली एज ए थंब रूल वो स्टॉक का प्राइस नीचे जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी आपको दिखती हैं या जितनी आपको बताई जाती हैं। यहां पे आप केवल इसी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर किसी भी स्टॉक का चयन नहीं कर सकते, आपको इसका और एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों और एनालिसिस करने के लिए जैसा कि मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी आप कोई ऐसी न्यूज पढ़ें कि प्रमोटर्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दिया है तो वहां पे आपके लिए दो बातों का जानना बहुत जरूरी है जो कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला दोस्तों कि इसके पीछे कारण क्या है, मतलब क्या रीजन है, किस लिए प्रमोटर्स किसी पर्टिकुलर कंपनी में या स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। यहां पे डिक्रीज करने का कारण जानना भी जरूरी है क्योंकि कई दर्शकों ने लिखा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम कर दी, हमने उस स्टॉक को सेल कर दिया लेकिन वो स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं आया या ऊपर चला गया। तो दोस्तों यहां पे कारण जानना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है दोस्तों मेथड, मतलब किस तरीके से ये होल्डिंग जो है ये चेंज हुई है। अब दोस्तों एक ज्वेलरी का स्टॉक है जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि वहां पे एक पर्टिकुलर प्रमोटर ने उसी कंपनी के दूसरे प्रमोटर को कुछ स्टॉक्स गिफ्ट किए। अब उसके पीछे दोस्तों मार्केट को समझ में नहीं आया कि ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई क्यों है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट ने काफी अच्छे से बैंड बजाई। तो दोस्तों यहां पे होल्डिंग चेंज होने के कई तरीके होते हैं, गिफ्ट हो सकता है, इंटरेस्ट से ट्रांसफर हो सकता है, ESOPs हो सकते हैं, तो काफी सारे उसके अंदर मेथड हो सकते हैं। दोस्तों एक और चीज मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है उसके अंदर जो प्रमोटर्स के रिलेटिव होते हैं उनकी होल्डिंग भी गिनी जाती है, तो वो प्रमोटर्स ग्रुप करके उसको टर्म किया जाता है। लेकिन जब मैं अपना एनालिसिस करता हूं वहां पे मैं दो और कैटेगरीज को ऐड करता हूं। पहला दोस्तों कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या की मैनेजेरियल पर्सन, तो दोस्तों ये जो दो अलग कैटेगरीज हैं ये भी वहां पे आपको दिखेंगी जब आप ये इस तरह का एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूं, तो आप वो वाले वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्टर और की मैनेजेरियल पर्सन को क्यों ऐड किया, उसके पीछे कारण ये है दोस्तों अगर किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है या की मैनेजेरियल पर्सन है, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है या कोई ऐसा की पर्सन है जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, अगर वो लोग किसी कंपनी का स्टॉक, अपनी कंपनी का स्टॉक बाय कर रहे हैं तो यहां पे इसका मतलब उनको कुछ मालूम है जो शायद हमें नहीं मालूम,
या उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में हैं, डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, तो वो अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे एज ए रिटेल निवेशक मुझे भी उसके ऊपर पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और दोस्तों एक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जो बायबैक होता है एक्चुअली वो भी एक तरीके की प्रमोटर की होल्डिंग को इंक्रीज करता है, उसका एक शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से एक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर चर्चा कर चुके हैं, अगर आप बायबैक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली लाइव स्ट्रीमिंग जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा एक और सवाल आता है कि अगर प्रमोटर अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं क्या ये नेगेटिव है कंपनी के लिए। देखिए एज ए थंब रूल अगर देखा जाए तो हाँ ये नेगेटिव है कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कारण जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे बिना कारण जाने हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप इशू करती है तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको दिखेगी कि कम हो रही है, या कई बार कंपनी जो है कुछ स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल पार्टनर्स को लेके आती है कंपनी की ऑपरेशन में। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब समझ लीजिए कि कोई एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है, मान लीजिए उनको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि पैसे देने की बजाय उस कंपनी को कुछ अपनी हिस्सेदारी दे देंगे और वो जो काम उनको करवाना है जो पार्टनर नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं तो वो पार्टनर वो काम फ्री में एक तरीके से करके देगा क्योंकि अब वो इस कंपनी का हिस्सेदार है। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट पैसों का लेन देन या बिजनेस ट्रांजैक्शन की बजाय प्रमोटर्स अपनी कुछ होल्डिंग दे देते हैं अगर कोई स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल पार्टनर को वो इंक्लूड करते हैं कंपनी के अंदर। और दोस्तों एक और कारण होता है कि जहां पे प्रमोटर्स अपना कुछ स्टेक सेल कर देते हैं डेप्ट रीपेमेंट के लिए, मतलब अपना कर्जा कम करने के लिए। तो दोस्तों ये जो सारे कारण है ईसॉप या स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल पार्टनर को इंक्लूड करना या डेप्ट को कम करना, एक्चुअली देखा जाए तो ये पॉजिटिव कारण है, मतलब यहां पे स्टॉक के प्राइस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है क्योंकि यहां पे प्रमोटर का स्टेक तो कम हुआ। ये आपको न्यूज में दिखेगा कि अरे प्रमोटर्स का स्टेक कम हो गया, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम कर दी, लेकिन अगर आप बिना रीजन जाने वहां पे सेल पोजीशन ले लेंगे तो आपको नुकसान होगा क्योंकि यहां पे जो कारण है सेल करने का वो पॉजिटिव है। तो कारण को जानना जरूरी है, कारण पॉजिटिव है या कारण नेगेटिव है। अगर मान लीजिए प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक नेगेटिव कारण है, उसके अंदर स्टॉक के प्राइस की अच्छी खासी पिटाई हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव कारण है तो वहां पे ऐसी संभावना जताई जाती है कि प्रमोटर्स कंपनी के भले के लिए अपना स्टेक कम कर रहे हैं, इसलिए वो एक तरीके की इनडायरेक्ट पॉजिटिव न्यूज होती है कंपनी के लिए। तो जब भी आप इस विषय के ऊपर कोई निर्णय लें कि प्रमोटर स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका कारण जरूर जानिए। अब दोस्तों यहां तक तो होगी अच्छी अच्छी बातें, अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं जहां पे निवेशक फंस जाता है इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर अगर वो कोई एक्शन लेता है, मतलब प्रमोटर्स का स्टेक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से निवेशकों को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों कई बार ये एक तरीके का ट्रैप होता है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट के अंदर। यहां पे दोस्तों न्यूज के ऊपर ट्रेडिंग या निवेश नहीं करना चाहिए, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। यहां पे क्या होता है कि कोई न्यूज आएगी किसी कंपनी के बारे में, पॉजिटिव न्यूज होगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, वहां पे क्या होगा कि निवेशक न्यूज के बेसिस के ऊपर बाय करना शुरू कर देंगे, लेकिन साथ साथ प्रमोटर सेल करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव न्यूज लाई जाती है मार्केट में ये एक तरह का ट्रैप होता है, एक तरह का जाल होता है रिटेल निवेशकों को फंसाने का, ताकि पॉजिटिव न्यूज देखिए वो इंप्लीमेंट हो या ना हो इसके बारे में कोई भी आगे ध्यान नहीं देता। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम इंडियंस जो हैं हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। अगर आज एक न्यूज आई तो मैं यूफोरिया के अंदर उस स्टॉक को बाय कर लूंगा, लेकिन अगर वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, बाद में जाके मैं कभी भी चेक नहीं करूंगा कि ये जो न्यूज आई थी क्या ये सही थी गलत थी, इसके ऊपर कंपनी ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। तो दोस्तों कई बार इस तरह की न्यूज जो है वो गलत तरीके से फैलाई जाती है सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए। तो यहां पे होता क्या है कि एक पॉजिटिव न्यूज फैलाई जाएगी, उसके बाद क्या है कि निवेशक उसके अंदर बाय करना शुरू कर देंगे और प्रमोटर्स को एक एग्जिट रूट मिल जाएगा वहां पे अपना स्टेक कम करने के लिए। अब दोस्तों दूसरा एक और ट्रैप होता है जहां पे प्रमोटर्स बाय तो करते हैं, आपको दिखेगा अरे प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं और आप भी खुशी खुशी उस स्टॉक में बाय करना शुरू कर देंगे, आप प्राइस को बूस्ट कर देंगे और बड़े बड़े निवेशक वहां पे बाय करना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ कंपनियां इस प्रैक्टिस के लिए बदनाम है कि वो प्राइस को बूस्ट
बूस्ट करके अपने स्टॉक्स को प्लेज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रमोटर्स पैसे कैसे कमाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है कि जब स्टॉक का प्राइस नीचे हो वहाँ पर बाय करना शुरू कर दीजिए। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स में दिखेगा कि इस कंपनी के प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं, ढिमकाना कंपनीज के प्रमोटर बाय कर रहे हैं, आप भी बाय करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही उसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वहां पे प्रमोटर साथ साथ प्लेज करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी गलती जो है रिटेल निवेशक करते हैं, वो प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज हो रहा है वो तो देख लेते हैं, लेकिन वो प्लेज का जो डेटा होता है उसको नहीं देखते। इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे क्योंकि एक सबसे बड़ी गलती है जो कि रिटेल निवेशकों के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और जो गलती रिटेल निवेशकों के द्वारा की जाती है कि वो कमेंट्स के द्वारा भी काफ़ी दर्शकों ने लिखा कि ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ज़्यादा हाई है, 65% है, 60% है, हमने इस कंपनी के अंदर निवेश किया लेकिन हमें नुकसान हो गया। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टेक या होल्डिंग होना प्रमोटर्स के लिए वो भी एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है, अब मान के चलिए दोस्तों कि कोई एक कंपनी है जिसके पब्लिक की शेयर होल्डिंग 25% है, जैसा कि सेबी ने बोला है, बाकी की 75% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, तो आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है या खराब बात है? मेरे हिसाब से ये खराब बात है। क्यों? ये खराब क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसका मतलब उस कंपनी के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां पे जैसे कि FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या जो भी बड़े-बड़े निवेशक बाय करते हैं कंपनी के अंदर स्टेक, तो दोस्तों उनका स्टेक होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है, केवल प्रमोटर्स की होल्डिंग है 75%, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको इस कंपनी के अंदर कोई भी स्कोप नहीं दिखता, म्यूचुअल फंड्स को इस कंपनी के अंदर कोई स्कोप नहीं दिखता, FIIs को इस कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं दिखता। तो दोस्तों यहां पे अब आप असमंजस में पड़ गए होंगे कि भाई ये तो हमारे लिए एक दुविधा की परिस्थिति है कि हम क्या करें। तो दोस्तों यहां पे जो अलग अलग स्टडीज की गई हैं वहां पे ऐसा पाया गया है कि प्रमोटर्स का स्टेक जो है लगभग 35-60% के बीच हो तो वो एक अच्छा माना जाता है, अगर मान लीजिए वो 15-20% से नीचे आ जाए उसको एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, और 20-35% के बीच में ये माना जाता है कि ये एक बॉर्डर लाइन है, यहां पे हो सकता है कि आने वाले समय में अगर प्रमोटर्स को अच्छा स्कोप दिखेगा तो वो अपना स्टेक इंक्रीज कर लेंगे, नहीं तो वो अपना स्टेक जो है बेचना जारी रखेंगे। दोस्तों ऐसी जो स्टडीज की गई हैं वो पास्ट के डेटा को रख के की गई हैं, ये मैंने आपको केवल एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर आप कोई बेंचमार्क रखना चाहते हैं तो 20% का एक बेंचमार्क रख लीजिए, किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स का स्टेक 20% से कम है तो शायद मैं उस कंपनी के अंदर किसी भी तरह का निवेश नहीं करूंगा, अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स का स्टेक 35-60% है तो वहां पे शायद मेरे हिसाब से वो एक ठीक ठाक संकेत है कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रखी हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रमोटर्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कंपनी के अंदर, इसका मतलब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनको लगता ही नहीं कि उनकी कंपनी ग्रो करने वाली है आने वाले समय में। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रमोटर्स का स्टेक 0% होता है। अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि अगर FIIs का स्टेक बहुत ज़्यादा हाई है तो हमें वहाँ पे बुलिश होना चाहिए बेरिश होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे सोचने के दोनों तरीके हैं, अगर FIIs का स्टेक ज़्यादा है जैसा कि आपने देखा HDFC बैंक के केस में, तो इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है उस स्टॉक की, FIIs को वो स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है और वो और नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, नुकसान ये होता है दोस्तों कि कल को अगर FIIs अपना पैसा बाहर निकालने लग जाते हैं इंडियन मार्केट से, देखिए कभी ना कभी तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरी ज़िंदगी वो उस स्टॉक के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश बनाए रखेंगे, हर कोई यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए, कोई सोशल वर्क या चैरिटी के लिए तो है नहीं स्टॉक मार्केट में, आप भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, मैं भी मुनाफा कमाना चाहता हूँ, FIIs भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, प्रमोटर्स भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों जब FIIs सेल करना शुरू करेंगे तो जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेक होता है
या जिन स्टॉक्स के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा निवेश किया होता है, अगर वो उन स्टॉक्स के अंदर बेचने का निर्णय लेते हैं तो उन स्टॉक्स की बहुत जबरदस्त पिटाई होती है। वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है दोस्तों। कोई भी कारण हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी तथ्य हो, उसका अगर एक पॉजिटिव है तो उसका एक नेगेटिव जरूर होता है। हाई FII होल्डिंग अच्छी है, बुल मार्केट में अच्छी है, जब निवेश हो रहा है तब अच्छी है, स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर जाएगा, लेकिन जब सेलिंग स्टार्ट होगी तब वहां पे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं तीन और सबसे बड़ी गलतियों की जिनकी वजह से निवेशकों को नुकसान होता है। दोस्तों पहली गलती जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो प्लेजिंग का डेटा है कि कोई भी स्टॉक या कंपनी उसके प्रमोटर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को प्लेज तो नहीं कर रहे, प्लेजिंग का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर दोस्तों प्रमोटर स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, मैं यहां एग्जांपल देना चाहूंगा, एक कंपनी है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की कंपनी है, उसके अंदर मैंने देखा कि पिछले दो या तीन महीने के अंदर प्रमोटर्स ने 24% अपना स्टेक जो है इंक्रीज किया, लेकिन साथ साथ मैंने देखा कि वो अपने शेयर्स को प्लेज भी करते जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लेजिंग का डेटा देखना बहुत जरूरी है, कहीं वो उन शेयर्स को एज ए डेप्ट के कोलेटरल के तौर पर तो नहीं रख रहे। तो दोस्तों ये सब बातें बिना जाने आप केवल प्रमोटर्स अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि भाई हमने निर्णय तो सही लिया लेकिन यहां पे हमें नुकसान क्यों हो गया। अब दोस्तों दूसरा जो कारण आता है, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को नुकसान होता है, वो ये कि दोस्तों प्रमोटर्स तो स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन क्या आपने चेक किया कि उस कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, आने वाले समय में वो कंपनी परफॉर्म किस तरीके से करेगी। दोस्तों केवल प्रमोटर्स का स्टेक इंक्रीज होने से किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाया जा सकता। एक शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट के तौर पर वो पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स काफी वीक हैं तो वहां पे प्रमोटर्स की बाइंग भी कंपनी को मदद नहीं कर सकती। यहां पे मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल देना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं उस कंपनी का। एक साल पहले उस कंपनी के प्रमोटर्स ने 421 रुपए के ऊपर अपना स्टेक इंक्रीज किया था और काफी सब्सटेंशियल स्टेक इंक्रीज किया था, लेकिन दोस्तों उस स्टॉक का प्राइस 250 रुपए से भी नीचे आ गया। अब दोस्तों जब 250 रुपए के नीचे आया तो लगभग 255 के आसपास भी उस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया। अब दोस्तों स्टेक इंक्रीज किया 421 पे भी आज से एक साल पहले, लेकिन अगर आप देखेंगे एक साल के अंदर वो स्टॉक 170 रुपए नीचे गिर गया। अब 255 पे भी उन्होंने स्टेक इंक्रीज किया लेकिन अब वो स्टॉक बढ़ गया। इसके पीछे कारण क्या है? केवल आप प्रमोटर की शेयर होल्डिंग के बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। कारण ये है कि अब जब प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया, उसके बाद एक न्यूज आई कि उस कंपनी ने ग्लोबली हर एक कंट्री के अंदर अपनी जो ऑटोमोबाइल की सेल्स है उसको बहुत अच्छे नंबर्स के साथ उन्होंने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि भाई जब प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आने वाले समय में कैसे हैं? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, आप ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स पढ़िए, ताकि आपको इन सब चीजों के बारे में मालूम हो, क्योंकि दोस्तों ब्रोकरेजेस या रिसर्च जो इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल के नंबर प्रिडिक्ट करती हैं, एस्टीमेट करती हैं उस कंट्री के लिए, उन्होंने पहले ही कुछ हिंट्स दे दिए थे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके नंबर अच्छे रहने वाले हैं। अब दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस कंपनी में मैंने भी शेयर्स खरीदे हुए हैं और इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि मैंने इस कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स खरीदे हैं। तो दोस्तों जब भी किसी बड़े प्लेयर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वहां पे आपको और कई तथ्यों की जांच करनी जरूरी है। केवल उसी के बेसिस के ऊपर अगर आप निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर रोज आपको न्यूज में दिखेगा 8-10 जो है कंपनीज उसके अंदर प्रमोटर्स इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी 8 स्टॉक्स को बाय कर लें, सभी 10 स्टॉक्स को बाय कर लें और सभी जो है ऊपर चले जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे जो तीसरा कारण आता है वो होता है दोस्तों प्रॉफिट स्ट्रिपिंग। यहां पे आपने देखा होगा जो हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज हैं उसके अंदर प्रमोटर्स का स्टेक नॉर्मली बहुत ज्यादा हाई होता है और वो बहुत ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ताकि वो जो प्रॉफिट है डिविडेंड के द्वारा जो प्रॉफिट है वो प्रमोटर अपनी जेब में डाल सके। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसी जो कंपनीज हैं दोस्तों उनके स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। यहां पे हाई प्रमोटर स्टेक होने से
कुछ भी नहीं होता। आप वहां पे डिविडेंड का डेटा देखिए, अगर वहां पे वो लगे कि ये कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी है तो आप समझ जाइए कि ये स्टॉक शायद परफॉर्म ना करे इतना अच्छा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड वहां मिल सकता है, एफडी के इंटरेस्ट के बराबर आपको वहां डिविडेंड मिल सकता है। तो ऐसी कंपनीज दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए, या अगर आपको एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, अगर आप रिटायर्ड पर्सन है आपको कोई कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, तो ऐसी कंपनीज उस तरह के निवेश के लिए ठीक रहती हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा। बोनस टिप ये है दोस्तों, अगर आप एक सही निर्णय लेना चाहते हैं कि अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग के बेसिस के ऊपर आपको किस तरह का निर्णय लेना चाहिए, तो वहां पे आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना बहुत जरूरी है। आप प्रमोटर्स की होल्डिंग का पैटर्न देखिए पिछले 5 या 6 क्वार्टर से। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आज अगर मान लीजिए आपको पता लगा कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, एग्जाम्पल के तौर पे 30% से 32%, लेकिन अगर आप 5-6 क्वार्टर पहले का डेटा देखेंगे वहां पे आपको दिखेगा कि उस समय तो इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 45% स्टेक था। इसका मतलब वो पिछले काफी क्वार्टर से अपना स्टेक कम करते आ रहे हैं, अब उन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उनको लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगे कि पिछले 5-6 क्वार्टर से प्रमोटर्स का स्टेक तो स्टेबल है, वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, पिछले क्वार्टर में उन्होंने स्टेक बेचा अब फिर खरीद लिया, तो वहां पे हम कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि प्रमोटर्स बहुत ज्यादा बुलिश हैं कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर। हो सकता है वो अपना स्टेक सिर्फ रिटेन कर रहे हो, कुछ स्टेक उन्होंने शायद कुछ कारणों की वजह से बेचा, उसको दोबारा खरीद लिया। तो दोस्तों ये सिचुएशन टू सिचुएशन निर्भर करता है, यहां पे कोई ऐसा थंब रूल नहीं होता। और आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्रमोटर्स ने पहले अपना स्टेक सेल किया तो उसके पीछे क्या कारण थे, अगर वो अब बाय कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके जितने भी सवाल थे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके, प्रमोटर्स की होल्डिंग को लेके, किस वजह से आपको नुकसान होता है, उन सभी बातों की मैंने चर्चा की इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से वीडियोस देखने पसंद है, कौन से वीडियोस आपको पसंद नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया था। इसके अंदर मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड का निर्णय लें। किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर आप किसी तरह के निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।